करीना कपूर खान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी लंबे समय से राज किया है और इस दौरान कई लोगों के साथ उनकी अनबन हुई है। अब तो उनकी दुश्मनों की लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी है कि आपको यकीन ही नहीं होगा। इस खास वीडियो में जानिए आखिर किन किन के साथ बेबो की नहीं बनती है। बॉबी देओल, शादी से पहले फिल्म जब वी मेट का ऑफर बॉबी देओल को मिला था। ऐसी खबरें आई थी कि करीना के कहने पर ही बॉबी को ये फिल्म नहीं मिली। इसके बाद से तो बॉबी और बेबो में कभी बात भी नहीं हुई। दीपिका पादुकोण, इंडस्ट्री में अपने बलबूते पर सब पाने वाली दीपिका पादुकोण भी करीना को फूटी आंख नहीं सुहाती है। दीपिका और करीना के बीच भी बातचीत ना के बराबर है। शाहिद कपूर, ब्रेकअप के बाद करीना और शाहिद ने फिल्म उड़ता पंजाब में काम किया था, लेकिन शाहिद और करीना के बीच की कड़वाहट आज भी कम नहीं हुई है। दिया मिर्जा, एक इवेंट के दौरान दिया मिर्जा ने करीना कपूर खान की ड्रेस पर कमेंट किया था। इसके बाद बेबो काफी भड़क गई थी। करीना कपूर ने साफ कह दिया था कि दिया को कोई हक नहीं है कि वो उनके स्टाइल पर कमेंट करे। प्रियंका चोपड़ा, एक इंटरव्यू के दौरान करीना कपूर खान ने कहा था कि वो प्रियंका को एक्ट्रेस के तौर पर गिनती ही नहीं है। साथ ही करीना ने प्रियंका के एक्सेंट का भी काफी मजाक बनाया था। इमरान हाशमी, करीना को इमरान हाशमी के साथ एक फिल्म ऑफर हुई थी। करीना ने इमरान के साथ काम करने से मना कर दिया और उनका कहना था कि वो सिर्फ ए लिस्टर्स के साथ ही काम करेंगी। अमीषा पटेल, करीना और अमीषा की लड़ाई से तो हर कोई वाकिफ है। अमीषा से पहले फिल्म कहो ना प्यार है का ऑफर करीना को मिला था। करीना ने फैसला लिया कि वो फिल्म रेफ्यूजी के जरिए अपना डेब्यू करेंगी। अमीषा का डेब्यू फिल्म ब्लॉकबस्टर था, तो वहीं बेबो की पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इस वाक्य के बाद करीना ने अमीषा को खराब एक्ट्रेस कह दिया था। अमीषा ने भी करीना को करारा जवाब दिया था। ऋतिक रोशन, ऋतिक के साथ करीना ने कई फिल्मों में काम किया है। जब करीना और ऋतिक के लिंकअप की खबरें सामने आ रही थी, तब बेबो की रातों की नींद ही उड़ गई थी। करीना ने तभी कसम खा ली थी कि वो ऋतिक के साथ दोबारा काम नहीं करेंगी। बिपाशा बासु, करीना कपूर खान और बिपाशा बासु की कैट फाइट से तो पूरी इंडस्ट्री वाकिफ है। बिपाशा की डेब्यू फिल्म अजनबी में करीना थी और इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। करीना ने बिपाशा को तो काली बिल्ली तक कह दिया था। जॉन इब्राहिम, करण जौहर के चैट शो में आकर करीना कपूर ने बिपाशा बासु के एक्स बॉयफ्रेंड जॉन इब्राहिम की धज्जियां उड़ा दी थी। करीना ने जॉन को एक्सप्रेशनलेस एक्टर बताया था और साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर किया था कि वो जॉन के साथ कभी भी काम नहीं करेंगी। ऐशा देओल, हर किसी को पता है कि सालों पहले ऐशा देओल और करीना कपूर खान के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों ने एलओसी कारगिल और युवा जैसी फिल्मों में साथ भी काम किया था, लेकिन अब दोनों के बीच बातचीत तक नहीं होती है। इसके पीछे की वजह कभी सामने नहीं आई। चौंकाने वाली बात तो ये है कि न्योता मिलने के बाद भी करीना ने ऐशा की शादी अटेंड नहीं की थी।